नमस्कार, मैं राजमोहन, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज। एक कहावत है, एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई। यह कहावत बिहार पर वर्तमान की स्थिति में एकदम सटीक बैठ रही है। एक तरफ कोरोना लगातार बिहार में अपना पैर पसारते जा रहा है, तो दूसरी तरफ बिहार में बाढ़ इस बार सितम बनकर टूटी है। बिहार के लगभग 14 जिले बाढ़ के भयंकर चपेट में हैं। इन 14 जिलों के अनुमानतः लगभग 40 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। कई लाख लोग घर में पानी घुसने के कारण अपने घर से दूर कहीं सड़क के किनारे तो कहीं अन्य ऊंची जगहों पर जिंदगी जीने को मजबूर हैं। आपदा की इस घड़ी में सरकार का कहना है कि वो बाढ़ के कारण विस्थापित हो चुके लोगों की भरसक मदद कर रही है और उन्हें सभी जरूरत के सामानों को उन तक पहुँचाने की कोशिश कर रही है। सरकार द्वारा जनता को भेजे गए राहत के सामान जनता तक कितने पहुँचते हैं, उसकी एक वायरल तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पहले वो देखिए। क्यों मैं दिखाना चाहता हूँ, ये बिहार एक आपदा का है जिसमें अवसर को कैसे बदल रहा है लोग यहाँ का, हमारे यहाँ का मुखिया और सरपंच जो भी है लोग। ये देखिए, तिरपाल का साइज है, एक तिरपाल जो कि बड़ा सा, इतना बड़ा तिरपाल मिलना चाहिए कि उसमें आराम से एक घर का मतलब माल जाल कुछ उसमें आ जाए। अब देखिए, एक तिरपाल को चार हिस्सा में काट के यहाँ पे एक छोटा सा तिरपाल इन लोगों को बेचारों को दिया जा रहा है, गरीब लोग। ये देखिए तिरपाल का साइज क्या है, इसके अंदर एक छोटा सा बछड़ा भी नहीं आ पाएगा। आदमी तो दूर है और गाय तो दूर का बात है। ये देखिए लोगों को ऐसा ही सबको कैसा तिरपाल मिलल बहुत आ रहा। देखिए, एक में चार टुकड़ा कर करके इन लोगों को तिरपाल दिया जा रहा है, ये हालत है। ये देखिए आप साफ देखिएगा, जो सरकार की तरफ से तिरपाल आता है उसका कॉर्नर ऐसा होता है। तारा कैसा तिरपाल मिलल मिलल खाना के हमी का व्यवस्था नहीं के कुछ खाए के चीरा मीठा तारा का हो तो हनी के चीजें मिठा मिलल दिन दौड़ला पर ये तिरपाल मिल। देखिए दोस्त, ये लोग बहुत परेशान है, बहुत गरीब है लोग, ये रोज का दिहाड़ी मजदूरी करता है लोग, और एक दिन कमाएगा तो अगला दिन खाएगा, इन लोगों का स्थिति वही है। लेकिन ये लोग को अभी तक सरकार की तरफ से कोई राहत नहीं मिला है, ना चिवड़ा मीठा या भी जो भी है सामाजिक, खाने के लिए भी एक दाना नहीं। इन लोगों का सारा का घर नदी के घाट पे है और हालत ऐसा है कि इन लोगों का घर के तरफ मेरे कमर से ज्यादा पानी है, मतलब ऑलमोस्ट 3 फीट 4 फीट पानी है इन लोगों का, और स्थिति दिन पर दिन खराब होते जा रहा है। खाने पीने कोई कोई बंदोबस्त नहीं है, कहीं मीठा चिवड़ा सब जगह बटा रहा है, हम लोग के तरफ नहीं बटा रहा है। और ये लोग चार बार दौड़ा है इस तिरपाल के लिए, चार बार दौड़ा है तब जाके इनको तिरपाल मिला है। अब इस वीडियो की सच्चाई क्या है, यह जानने के लिए जिन्होंने यह वीडियो डाला है उनसे यह जानने का प्रयास करते हैं कि यह वीडियो कहाँ का है और पूरा मामला क्या है। हेलो, हाँ जी सर, बिहारी न्यूज से बोल रहे हैं, राजमोहन तिवारी। हाँ जी नमस्कार सर, सर एक्चुअली आपका कॉल मिला था हमको, कॉल कट गया था। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम वेद प्रकाश है, मैं कौलपुरा पंचायत का निवासी हूँ सर, ये जो मसक प्रखंड में आता है। अच्छा, किस जिले के? ये सारण जिला में आता है, सारण जिला में ही आता है, सारण जिला के मसक प्रखंड में, मसक प्रखंड में कौलपुरा पंचायत। जी सर, कौलपुरा पंचायत। क्या है वीडियो जो है उसका, क्या है सच्चाई, क्या है? सच्चाई सर ये है कि जैसे बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार द्वारा हर समय जैसे आता है पंचायत के अनुसार तिरपाल, उनका राहत सामग्री, जो भी और भी खाने पीने का सामान आता है, तो यहाँ पे हमारे यहाँ जो तिरपाल बांटा जा रहा है सर, उसका साइज बहुत ही छोटा है, इतना छोटा है कि उसमें ठीक से एक चौकी भी नहीं आ पाएगा, और मतलब चार इंच का तिरपाल होता है उसका एक चौथाई मतलब तिरपाल हमारे यहाँ बांटा जा रहा है। अच्छा, मतलब तिरपाल को काट के दिया जा रहा है। हाँ, वो सामने दिख रहा है, लोग देख रहा है, लेकिन डर से मुखिया के दबंगई के डर से कुछ बोल नहीं रहा है, दिख रहा है कि वहाँ तो अंदर से कैंची से काट के एक तिरपाल को चार इंच में कर रहा है। किनको तिरपाल दिया जा रहा है, किनको किनको दिया जा रहा है सर? तिरपाल देखिए, एक तो मिल भी बहुत कम लोग को रहा है यहाँ पे, गिने चुने लोगों को, जैसे जो उनके कहा जा सकता है कि उनके जो सपोर्टर थे ऐसे करके बहुत कम लोगों को मिल रहा है। मेरे खुद के गांव में, जैसे मेरे गांव में 50 से 60 घर है, सबके घर में पानी घुसा हुआ है, लेकिन हमारे गाँव के वार्ड के लिए मेरे वार्ड के पास 8 तिरपाल आया था बस। अच्छा, और सब पूरे का पूरा घर में पानी घुसा हुआ है सभी गाँव में? पूरे हाँ, लगभग के घर में, खुद मेरे घर में सर कमर के बराबर मेरा पानी है, हम लोग सब अपने ऊपर वाले फ्लोर पे रह रहे हैं, लेकिन किसी के पास यहाँ पे ना खाने का सामग्री पहुँचाया गया है हमारे मुखिया द्वारा, या ना प्रशासन द्वारा, ना डीएम द्वारा, किसी के द्वारा कुछ तो नहीं। यहाँ तक कि तिरपाल की चोरी है, इसका आपने कंप्लेंट कहीं नहीं किया कि तिरपाल काट के दिया जा रहा है, या वीडियो के पास आपने इसका कंप्लेंट नहीं किया था?
सर मैं डीएम साहब के पास फोन लगाने का कोशिश कर रहा था लेकिन मेरा फोन लग नहीं रहा है उनके पास। अच्छा वो बात नहीं हो पाई? नहीं फोन लग नहीं रहा है। अच्छा ये जो कितने लोग हैं जो आपके गांव में विस्थापित हो चुके हैं, घर बार छोड़ना पड़ा है? सर इस गांव में मतलब आप समझ लीजिए कि मेरे पंचायत में जनसंख्या तो बहुत ज्यादा है। आप मेरे ही पंचायत में मतलब 60 घर है मेरे गांव में, मेरा वार्ड नंबर 9 में 50 से 60 घर है। सब लोग लगभग लोग अपना घर छोड़ के विस्थापित हो गया है। जिसका भी फर्स्ट फ्लोर घर है वो फर्स्ट फ्लोर पे रह रहा है, नहीं तो जिनका भी एक काला घर है वो एक महिला वाला सब लोग अपना विस्थापित हो गया है। और हमारे घर से मतलब आप समझ लीजिए कि कुछ दूर है, एक ऊंचा स्थान है वहाँ पे लोग रह रहा है, या फिर रेलवे के ऊपर पटरी पे रह रहा है, कुछ कुछ स्कूल है वहाँ रह रहा है, लेकिन सब लोग ऐसा ही अपने खर्चा का जो तिरपाल है, घर का तिरपाल है या घर का जो बेडशीट वगैरह है वैसा लगा के तम्बू बम्बू बना के रह रहा है। और फूड पैकेट के बारे में क्या है? सरकार तो कह रही है कि बहुत ज्यादा रसोईया चलाया जा रहा है। फूड पैकेट का एक दाना हमारे गांव में नहीं आया है। एक जो दाना होता है पाई का दाना वो भी किसी को नहीं मिला है। बगल के पंचायत में चूड़ा मीठा बांटा जा रहा है ऐसा लोग बता रहा है, लेकिन हमारे गांव में कुछ नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। ओ अच्छा ये कैसे आपको मालूम पड़ा कि तिरपाल छोटा है? हो सकता है कि उनको प्रशासन की तरफ से आदेश आया हो मुखिया जी को कि इतना ही छोटा बांटना है, आपको कैसे पता चला बड़ा आता है? सर क्या है कि बगल के एक दो पंचायत में और जगह तिरपाल बांटा गया तो वहाँ पे भी लोग देखा है कि साइज क्या है, बड़ा बड़ा साइज है वो। ये भी तिरपाल नहीं है, ये एक प्लास्टिक का जो छत ढालने में यूज होता है जो ढलैया के में वो चीज है, प्लास्टिक का चीज है, ये ओरिजिनल तिरपाल भी नहीं है। अच्छा मतलब क्वालिटी भी उसमें कमजोर है ना? हाँ क्वालिटी भी बहुत कमजोर है, क्वालिटी मतलब एकदम घटिया क्वालिटी का है कि बस प्लास्टिक है, जोर से बारिश भी हो जाएगा उसके ऊपर तो तंबू को छेद के अंदर पानी आ सकता है, वैसा वाला क्वालिटी है। तो ये जो है एक तिरपाल है कि टेंट बनाकर रखने के लिए सबको दिया जाता है, तो ये टेंट बनाने के लायक ही नहीं है, इतना बड़ा है ही नहीं, है ना? हाँ हाँ सर बिल्कुल, ये ऐसा है कि आप उसके अंदर एक चौकी भी लगा लेंगे उसके बाद आपका पैर बाहर आ जाएगा। तिरपाल तो इसलिए दिया जाता है कि जो विस्थापित हुए हैं जिनका गाय बछड़ा या माल जाल है वहाँ पे ले जाके रखे उसी में रहें, लेकिन ये ऐसा है कि उसमें ठीक से एक चौकी भी नहीं आ पाएगा। तो वो तो छोड़िए, किसी को यहाँ खाने का भी समस्या, बहुत बेहद स्थिति है यहाँ पे। चलिए ठीक है, धन्यवाद वेद प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप हमसे बात करने के लिए आपका। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जब बाढ़ जैसी आपदा में लोगों का घर छिन जाए तो सरकार सर ढकने के लिए त्रिपाल नाम का एक प्लास्टिक देती है कि घर से बेघर हुआ परिवार उस प्लास्टिक की आर लेकर दूसरे जगहों पर अपना सर ढक सके। लेकिन हमारे यहाँ जिसे सेवा के लिए चुनो वही मेवा खाने लगता है। इस वीडियो में ग्रामीण जो कह रहे हैं उस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इस बाढ़ की आपदा में सर ढकने के लिए मिलने वाले प्लास्टिक में भी अगर चोरी हो रही है तो फिर बाढ़ से त्रस्त बिहार की जनता को मिलने वाले अन्य राहत सामग्रियों में क्या लूट मची होगी, इसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। सच्चाई क्या है इसका पता लगाना जरूरी है। सरकार लगातार यह कह रही है कि आपदा से निपटारा युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है सरकार और प्रशासन को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। फिलहाल के लिए इतना ही, खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।